जय श्री राम। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मान लिया ये एक आवेश है क्यू, और इससे ए पॉइंट है आर दूरी पर। हमें पता है, हमने पढ़ लिया है कि इस क्यू आवेश के कारण अब बिंदु ए पर विभव होगा वी ए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर। ओके, मान लिया एक बिंदु और है बी, तो शुरुआत में विभव की परिभाषा देने से पहले हमने दी थी विभवांतर की परिभाषा। एक्चुअली विभवांतर की ही परिभाषा हमारे पास होती है कि मान लिया अगर कोई आवेश क्यू नोट है और उसको इस बिंदु बी से ए तक पहुंचाना है, तो एक एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा इसको उठा करके, जो ये बल लगाएगा आवेश इस पर, विद्युत बल, उसके विरुद्ध में बाह्य बल लगा के कार्य करना पड़ेगा। मतलब जो बाह्य कार्य होगा वो जस्ट अपोजिट होगा जो ये आवेश इस पर कार्य करता है, इसको इधर को धकेलने में। तो हमने कहा था अगर इस क्यू नोट आवेश को बी से ए तक पहुंचाने में डब्लू कार्य करना पड़े, तो हम कहेंगे कि ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा वी ए माइनस वी बी, वो बराबर होगा डब्लू अपॉन क्यू नोट। और इसमें ई एक्स टी लिख देते हैं, ई एक्स टी का मतलब एक्सटर्नल यानी बाह्य, किसी बाहरी इंसान मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसने कार्य किया है इस आवेश को, इस आवेश को छोड़ के कोई बाहर का है उसने कार्य किया। अब अगर मैं उस क्यू नोट आवेश की दर गुणा कर दूं, वी ए गुणा क्यू नोट माइनस वी बी गुणा क्यू नोट बराबर डब्लू एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और ये हो जाएगी बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। तो यानी यू ए माइनस यू बी बराबर डब्लू एक्सटर्नल। मतलब हम कह सकते हैं कि इस आवेश क्यू नोट को बिंदु बी से ए तक पहुंचाने में जो कार्य करना पड़ा वो किसके बराबर है, वो है ए और बी के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा में अंतर आया, ठीक है। यू ए पर स्थितिज ऊर्जा माइनस यू बी बी पर स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है। पहले क्या था, पहले स्थितिज ऊर्जा यू बी थी, अब क्या होगी, यू ए होगी। जब बी पे थे तो यू बी थी, बी बिंदु पर आवेश रखा था तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ कितनी थी, यहाँ यू बी थी, बाद में कितनी होगी, यू ए होगी। तो अंतर क्या हो गया, यू ए माइनस यू बी बराबर डब्लू एक्सटर्नल। हम कह सकते हैं यानी कि चेंज इन स्थितिज ऊर्जा, इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, चेंज माने परिवर्तन, बराबर डब्लू एक्सटर्नल मतलब बाह्य जो कार्य किया गया वो किसके बराबर है, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है उसके बराबर है ना, सिंपल। अब हमने जो है वी ए की परिभाषा क्या दी थी, वी ए की परिभाषा हमने दी थी कि जब अगर ये वी बी जीरो हो जाए, मतलब बी बिंदु अनंत पे हो जाए, तब हमने वहां से किसी एक बिंदु पर विभव की परिभाषा दी थी, ठीक है। हमने कहा था कि हमारे पास तो वैसे विभवांतर होता है, बट अगर हाँ एक बिंदु ए है मान लिया और दूसरा बिंदु अनंत है, अनंत से इस क्यू नोट को उठा के ला रहे हैं, तो ए पर विभव वी ए माइनस वी अनंत बराबर डब्लू बटे क्यू नोट, है ना। फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं, ओके ज़्यादा जूम हो गया, इसको जो वी अनंत है इसको बोल देते हैं जीरो, तो वी ए बराबर हो जाएगा डब्लू बटा क्यू नोट, ठीक है। तो ऐसे ही अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, वी ए गुणा क्यू नोट बराबर डब्लू यानी यू ए। मतलब किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, कि वहाँ जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो अनंत से उठा करके ए तक लाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा, ए बिंदु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो चेंज इन स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी उससे स्थितिज ऊर्जा, यानी यू ए माइनस यू अनंत, अनंत से उठा के ला रहे हैं ए पर, और उसके लिए मान लिया डब्लू कार्य करना पड़ा, तो अनंत से उठा के लाने में इसको बोल देंगे कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा जीरो है, क्योंकि अनंत पर विभव भी जीरो परिभाषित किया हमने, तब यू ए बराबर हो जाएगा डब्लू, मतलब जो कार्य किया गया है वो। ओके,
और बराबर किसके है, बराबर है वी ए गुणा क्यू नोट, मतलब ए पर जो विभव है और गुणा क्यू नोट, चाहे यहां से देख लो है ना, वही कार्य करेगा। तो मतलब ए बिंदु पर, अब इस ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यू ए बराबर हो जाएगी के क्यू अपोन आर, ये किसकी वैल्यू है वी ए की, ए पर विभव और गुणा क्यू नोट, यानी के क्यू क्यू नोट बटे आर। थोड़ा और सरल भाषा में बोल लूँ, थोड़ा और सिंपल वर्ड्स में बोल लूँ, तो अगर मान लिया दो आवेश है क्यू वन और क्यू टू, ये दोनों आवेश मिलकर अपना एक सिस्टम एक निकाय बना रहे हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी आर है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बराबर के क्यू वन क्यू टू अपोन आर, के क्यू वन क्यू टू अपोन आर। अब मान लिया एक से ज्यादा आवेश है, मान लिया ये आवेश है क्यू वन और ये आवेश है क्यू टू और ये आवेश है क्यू थ्री, ठीक है, मान लिया तीनों के तीनों एक दूसरे से आर दूरी पर ही है, आर दूरी पर, आर दूरी, तो इनकी जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी यू बराबर के, पहले एक बार इन दोनों को ले लो, इसको भूल जाओ, क्यू वन क्यू टू बटे आर प्लस इसको भूल जाओ क्यू टू क्यू थ्री बटे आर प्लस इसको भूल जाओ क्यू वन क्यू थ्री अपोन आर, ठीक है, ये हो गया। कैसे आया ये एक बार वो भी देखे अगर हम, तो देखो तीन आवेश को क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री को उठा के लाना है, पहले कुछ नहीं है तो क्यू वन तो आराम से ऐसे ही आ गया, ठीक है, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, कहीं भी विभव नहीं है। अब क्यू टू को लाना इससे आर दूरी पर, ठीक है, तो इससे आर दूरी पर जो है इसने विभवांतर क्रिएट कर, विभव सॉरी क्रिएट कर दिया के क्यू वन अपोन आर, ठीक है। अब मैं क्यू टू को लेके आ रहा हूँ अनंत से उठा करके, यहाँ पर लेके आऊँगा क्यू टू को, ठीक है, क्यू टू को यहाँ लाऊंगा, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा है ना, और वो कार्य क्या बन जाएगी, इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा बन जाएगी। तो अब स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू अपोन आर, यानी या ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भी इसने वी वन लिख दो अगर इसको, तो वी वन गुणा क्यू टू, वी वन क्या है क्यू वन का विभव, ठीक है, गुणा क्यू टू को ला रहा हूँ। अब जो है इस बिंदु पर इससे भी आर दूरी पर और इससे भी आर दूरी पर क्यू थ्री को लेके आना है। अब यहाँ पर विभव ये भी क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा, ठीक है, ये कितना क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा के क्यू वन अपोन आर, और ये कितना क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा के क्यू टू अपोन आर, ठीक है, और कितने, ये तो हो गया टोटल विभव इस बिंदु पर। अब क्यू थ्री आवेश को लेके आया जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है इसको बोल दो यू वन बोल दो, इसको यू टू बोल दो, तो अब स्थितिज ऊर्जा ये होगी। देखो स्थितिज ऊर्जा क्या है, जो आवेश लेकर आ रहे हैं वो गुणा जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव कितना है टोटल, उसकी गुणा करनी है दोनों, ठीक है। तो अब स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, है के क्यू वन क्यू थ्री अपोन आर प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपोन आर। अब करना क्या है, जो पहले स्थिति ऊर्जा थी और जो बाद वाली अब हुई क्यू थ्री को लाने से, कुछ क्यू टू को लाने से थी, कुछ क्यू थ्री को लाने से थी, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, यू बराबर यू वन प्लस यू टू, यानी कि के अपोन आर तो आ जाएगा कॉमन है ना, कॉमन आ जाएगा सब में से, क्या हो जाएगा क्यू वन क्यू टू प्लस क्यू टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन क्यू थ्री। देखो जब एक ही आवेश था तो बस एक ही टर्म, मतलब जब एक ही आवेश था तो है ही नहीं, अकेले आवेश की तो कुछ नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, जब दो आवेशों का निकाय बना, दो आवेशों का सिस्टम बना, तो पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म आया, और जब तीन हुए तो टर्म कितने हो गए, तीन हो गए। अब जब चार आवेश हो जाएंगे, सपोज जूम इन क्यू वन क्यू टू आर दूरी स्क्वायर बना लेते हैं, एक क्यू थ्री और क्यू फोर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर का विकर्ण रूट टू आर, और ये भी कितनी हो जाएगी रूट टू आर, ठीक है। अब देखो एक तो क्यू वन और क्यू टू के बीच में, एक क्यू वन और क्यू थ्री, एक क्यू वन और क्यू फोर, फिर क्यू टू और क्यू थ्री, क्यू टू
और क्यू फोर और क्यू थ्री और क्यू फोर, मतलब कि देखो Q1 और Q2 के बीच में कितनी दूरी है R, तो K अपॉन R Q1 Q2 ठीक है, प्लस इनके बीच में भी R ही है, K अपॉन R Q2 Q3, प्लस इनके बीच में भी आ रही है K अपॉन R Q3 Q4 और K अपॉन R Q1 Q4, प्लस K अपॉन R Q1 Q4, प्लस Q1 और Q3 भी है जिनके बीच में दूरी रूट टू आर है, तो प्लस K अपॉन रूट टू आर Q1 Q3 और एक Q2 Q4 है जिनके बीच में भी दूरी रूट टू आर है, प्लस K अपॉन रूट टू आर Q2 Q4, तो कुल मिला के कितने टर्म्स आ गए, छह टर्म्स आ गए ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख लेंगे K अपॉन आर Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 Q1, चार टर्म तो हो गए, प्लस K अपॉन रूट टू आर इन दोनों में से Q1 Q3 प्लस Q2 Q4। देखो दो जब भी दो ले लेते हैं तो उनका एक जोड़ा बन जाता है ना, तो अगर दो आवेश थे तो टर्म आएंगे 2C2, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है वन कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा इलेवेंथ का मैथ है अगर नहीं आता तुमसे तो भाई सीख लियो ठीक है। थ्री सी टू, थ्री सी टू की वैल्यू आ जाती है थ्री ठीक है। फोर सी टू, फोर सी टू की वैल्यू आ जाएगी सिक्स है ना। अगर हमने दस आवेश ले लिए क्यू वन क्यू टू क्यू वन कहीं क्यू टू ऐसे क्यू टेन लो ले लिए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आएंगे टेन सी टू जो कि कितना होएगा शायद पैंतालीस होता है कैसे, देखो ऊपर लिखेंगे दस का फैक्टोरियल ठीक है, और नीचे दस में से दो गया आठ का फैक्टोरियल और दो का फैक्टोरियल, ऐसे इसको खोलते हैं तो दस फैक्टोरियल बन जाएगा, दस गुणा नौ गुणा आठ का फैक्टोरियल ठीक है, ऐसे आठ सात छः एक लो चलता रहता, नीचे आठ का फैक्टोरियल गुणा दो तो ये कट गया आठ और दो पंजे दस नौ पंजे पैंतालीस ठीक है, फोर्टी फाइव टर्म्स आ जाएंगे। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अब देखो अब बात करेंगे हम द्विध्रुव की, द्विध्रुव की बात पहले चैप्टर में भी हुई थी, मान लिया कहीं एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें द्विध्रुव रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी इनके टू एल और थीटा का कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र से, तो इस पर ये बल लगता है इस दिशा में क्यू ही, इस पर भी बल लगता है क्यू ही, और ये दोनों बल जो है अब इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है परिमाण बराबर है, तो मतलब ये इसको घुमाने की कोशिश करता है टोर्क लगाता है, टोर्क लगाता है, टोर्क आता है पी ई साइन थीटा, पी क्या है द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर होता है आवेश गुना टू एल ठीक है। ये सब बात पहले चैप्टर में हो चुकी है, अगर नहीं पता है तो भाई पहले वो पढ़ लियो जाके है ना। अब आगे की देखते हैं, अब मान लिया ये द्विध्रुव ऐसे हैं मतलब वैसे तो टोर्क लग रहा है ऐसे पकड़ रखा और पकड़ के इसको और इधर को घुमाना है ठीक है, मतलब मान लिया ये द्विध्रुव ऐसे जो है माइनस क्यू प्लस क्यू इसी एंगल पर है, इस बार बोलते थीटा वन एंगल पे, और इसको थोड़ा सा घुमाना है ठीक है, घुमा करके इसको है घुमा करके मतलब ऐसे से और ऐसे घुमा करके एंगल जो है बढ़ाना है माइनस क्यू प्लस क्यू और घुमा करके जो है इसको थीटा टू एंगल पे लेके आना है, मतलब थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है, तक घुमाना है, तो कैसे घुमाएंगे, घुमाने में कुछ कार्य लगेगा ठीक है, ये बल लग रहा है भाई इधर को, ये ऑलरेडी जो है ये ऐसे जाना चाहता है ऐसे ऐसे ऐसे, और हमको इसको ऐसे आने के अपोजिट ऐसे घुमाना है, तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बल गुणा विस्थापन होता है ठीक है, और अगर बल वैरी कर रहा हो मतलब बल बदलना पड़ रहा हो लगातार तब क्या होता है, तब कार्य होता है एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स है ना। ऐसे ही जब हमको तो इसका क्या करवाना है, कोण बदलना है ना, विस्थापन नहीं कोण या विस्थापन करवाना है, तब ये फॉर्मूला और भी होता है बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन ठीक है, और क्योंकि टोर्क भी बदलता है, टोर्क बराबर पी साइन थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग बदल रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो फॉर्मूला हो जाएगा
कार्य का इंटीग्रेशन टू डी थीटा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है, थीटा वन से थीटा टू तक। ओके चलो वैल्यू लिख देते हैं। टू की वैल्यू पी ई साइन थीटा और डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है। तो पी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन 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 क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा माइनस का, ये होता है, ठीक है। पढ़ लो समाकलन के फॉर्मूले थोड़े बहुत। अब लिमिट रखेंगे तो पहले तो थीटा टू रख देंगे थीटा की जगह, माइनस का कोस थीटा टू। अब माइनस लगाएंगे उस माइनस से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस थीटा वन। तो पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, यह आ गया इस दूरी को घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, थीटा वन एंगल से थीटा टू तक घुमाने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। अब देखो जब ये दूरी दूर थीटा वन एंगल पे था बेचारा अपना, पहले थीटा वन एंगल पे था ऐसे ऐसे, माइनस क्यों प्लस क्यों, और एंगल है थीटा वन, थीटा वन पे था, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, हमें नहीं पता कितनी थी। और हम कह देते हैं यू थीटा वन थी, कितनी थी, यू थीटा वन। बाद में हमने इसको घुमा के थीटा टू पे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, और कुछ माइनस क्यों प्लस क्यों थीटा टू पे कर दिया। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा टू हो गई। बाह्य कार्य करा, बाह्य कार्य जब हम करते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है, हमने अभी देखा था स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। तो बाह्य कार्य करा, उसने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किया, तो यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बाद में कितनी होगी यू थीटा टू, पहले कितनी थी यू थीटा वन, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, चेंज इन स्थितिज ऊर्जा डेल्टा यू, वो बराबर हो गया बाद में जो है यू थीटा टू माइनस पहले जो थी यू थीटा वन। और ये किसके बराबर है, ये इस एक्सटर्नल कार्य के बराबर है, है ना, डब्लू बराबर डब्लू डब्लू डब्लू, ये इसके बराबर है ना, चेंज इन। अब अगर मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे अब थीटा टू पे जब ये पहुंच गए यहाँ पे, बताओ मुझे तो यू थीटा टू चाहिए, यू थीटा टू पे स्थितिज ऊर्जा कितनी है, मुझे चेंज चेंज से नहीं मतलब, ठीक है, मुझे तो एक बिंदु पे, जैसे तुमने वहां पे बता दिया कि यू ए ए पर जब आ गया उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ये होगी, या के क्यू क्यू नोट जो भी लिए थे, है ना, चेंज नहीं रहा क्योंकि हमने दूसरे वाले को क्या कर दिया, जो यू बी था उसको अनंत पे लेके यू अनंत, और वहां पर उसको जीरो कर दिया, अनंत पर भैया स्थितिज ऊर्जा जीरो है। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा किस पे जीरो करे भाई, यहाँ तो यही एंगल्स में घूम रहा है थीटा वन थीटा टू। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, वो बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री पे जो है हम कह देंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो जीरो है, ठीक है। मतलब अगर थीटा वन ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, फॉर्मूला देख लो, यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन कार्य के बराबर है, क्या होता है, पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। हमने कहा थीटा वन बराबर हमने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ले लिया। तो देखो फॉर्मूला क्या था, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन, ये कार्य के बराबर था, और कार्य कितना करना पड़ा था, पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, इतना कार्य करना पड़ा था, ठीक है। हमने कहा थीटा वन बराबर ले लिया 90 डिग्री, तो भैया कोस थीटा टू यू थीटा टू माइनस यू थीटा वन बराबर पी ई, इसको नहीं लिख रहे अभी, पी ई कोस 90 थीटा वन की, ओए यहाँ 90 लिख, थीटा वन 90 कर दें, बराबर कोस 90 माइनस कोस थीटा टू। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, जीरो होती है। तो u थीटा टू माइनस के u नाइन्टी डिग्री बराबर पी ई कोस 90 की वैल्यू जीरो माइनस कोस थीटा टू माइनस के कोस थीटा टू, ये हो गया, ठीक है, यानी कि माइनस पी ई कोस थीटा टू। अब हमने कहा कि आपको मानना पड़ेगा, हमने कह दिया कि u 90 जो होता है 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शून्य है। अगर यहाँ शून्य है तो अब जो अंतर बचा वो यू थीटा टू बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने कह दिया जीरो है, तो ये बचा बस यू थीटा टू। यू थीटा टू बराबर क्या होगा, माइनस के पी ई कोस
थीटा टू, ये हो गया यू थीटा टू। मतलब अगर किसी भी थीटा पर, जैसे कि द्विध्रुव है, किसी भी थीटा पे लटका हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू एंगल है थीटा, किसी भी थीटा पर है, उस थीटा पे उसकी स्थिति जो हो जाए, यू थीटा क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कोस थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला, माइनस पी ई कोस थीटा। अब दो तीन स्थितियां ले लेते हैं। पहले तो क्या, इसको जीरो डिग्री पे रख देते हैं, ये माइनस क्यू इधर और ये प्लस क्यू इधर, ठीक है। थीटा बराबर कितना है, जीरो डिग्री। तो इस स्थिति में देखो, अगर तो बल कितना, नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो रहती है द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में, जितना क्यू इधर इतना। तो देखो टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पी ई साइन जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री मतलब जीरो डिग्री नहीं जीरो, तो टोर्क भी क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, ठीक है। स्थिति ऊर्जा देखे तो यू बराबर माइनस पी ई कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो डिग्री का मान होता है वन, तो माइनस के पी ई, ठीक है। ये मिनिमम स्थिति जुड़ जाए इसकी, मिनिमम सबसे कम स्थिति जुड़ जाए यही है जीरो डिग्री पर, ठीक है। इसलिए तुमने अगर पहले चैप्टर में देखा होगा, हमने इसको बोला था, इस स्थिति को बोला था हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्थाई साम्यावस्था, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी भी वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब उसको हल्का सा अगर घुमाऊंगा तो अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्थिति, स्थिति नंबर वन थी, अगले पेज पर चलते हैं। दूसरी होगी, ये विद्युत क्षेत्र है, तो मान लिया 90 डिग्री पे है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो बल तो अभी भी जीरो है, तो पी ई साइन 90, तो पी ई ये मैक्सिमम टोर्क है, तो टोर्क इस स्थिति में क्या है, मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर पी ई कोस 90 डिग्री, माइनस भी होता है, बराबर जीरो। 90 डिग्री पे तो हमने जीरो डिफाइन नहीं किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ गई, जीरो आ गई, है ना, और टोर्क मैक्सिमम है। तीसरी सिचुएशन, जब कि ये विद्युत क्षेत्र है और ये ऐसे रख दिया, माइनस क्यों इधर प्लस क्यों इधर, अब इस पर बल इधर को लग रहा है, इस पर इधर को, थोड़ा सा भी घुमाया तो सारा घूम जाएगा, ठीक है। मतलब अब थीटा हो गया 180 डिग्री, पूरा उल्टा घूमेगा ये, तो टोर्क निकाल लेंगे तो टोर्क तो अभी भी जीरो आएगा, साइन एफ एक्स की वैल्यू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी निकालू तो माइनस के पी ई कोस 180, कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये हो जाएगी पी ई, और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब इसको हल्का सा भी थोड़ा सा कुछ हुआ, हल्का सा पूरा घूम जाएगा, ये इसका क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, जय श्री राम।